इस्तकबाल है नाजरीन साहिल ऑनलाइन की। फटाफट खबरों में देखिए मकामी, रियासती और मुल्की अहवाल से जुड़ी अहम और जरूरी खबरें। कर्नाटक के साहिली इलाकों समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पिछले कई दिनों से जारी है मौसलाधार बारिश। रास्तों पर बह रहा है सैलाब, दरख्त उखड़ने और पहाड़ी खिसकने से बंद हो गई हैं कई एक सड़कें, ठप पड़ गया है रोजमर्रा जिंदगी का निजाम। हिमाचल प्रदेश के मंडी से सामने आई बारिश के सबब जमीन खिसकने की खौफनाक तस्वीर, टूट कर गिरता दिखा पहाड़ी का एक हिस्सा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जमीन बोस हुए कई मकानात, जमीन खिसकने से देहरादून में कई घंटों तक हवा में रहा इमारत का आधा हिस्सा। बारिश के बाद मकान के निचले हिस्से की खिसक गई थी जमीन। मौसलाधार बारिश से कर्नाटक कुंदापुर तालुके के किरमंजेश्वर के करीब बहर अरब में माहीगिरी के दौरान उलट गई एक कश्ती। बचा लिए गए कश्ती पर सवार 11 में से 7 माहीगिर, लापता 4 माहीगिरों की जारी है तलाश। मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं सरकारी आला अफसरान। मुसलसल बारिश से कर्नाटक के बेलगाम का भी बुरा हाल। नेवेलुतीर्था डैम के ऊपर से बह रहा है पानी, डैम के दरवाजे खोले जाने के जताए जा रहे इम्कान। डैम से पानी छोड़े जाने पर रामदुर्गा तालुके के 10 से ज्यादा देहातों में सैलाब के खतरे का जाहिर किया जा रहा है अंदेशा। जिला उत्तर कन्नड़ा के भटकल में भी पिछले कई दिनों से लगातार बरस रहा है आसमान। तालुका इंतजामिया की जानिब से पेशगी इकदाम करने पर गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले सड़कों पर ज्यादा देर तक नहीं जम रहा है पानी। शमसुद्दीन सर्कल समेत कई जगहों पर नालों की बारिश से कबल ही की गई थी सफाई, पानी के जमाव पर एक हद तक पाया जा सका है काबू। मगरबी बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के दरमियान परचम कुशाई को लेकर हुआ तनाजा, कारकुनान के दरमियान हुई झड़प, एक बीजेपी कारकुन की हुई मौत। भड़के बीजेपी कारकुनान ने कई मकामात पर किया आगजनी, 8 लोगों को किया गया गिरफ्तार। टीएमसी ने कत्ल के इल्जाम को किया सिरे से मुस्तरद, कहा बीजेपी के ही अंदरूनी तनाजे से हुआ है कत्ल। मुल्क में कोरोना पर अब तक नहीं पाया जा सका है काबू। गुजरते दिनों के साथ ही बढ़ती ही जा रही है मरीजों की तादाद। 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा कोविड मामलों की गई तस्दीक, 50,000 के करीब पहुंचा मरने वालों का कुल आंकड़ा, 26 लाख तक रिकॉर्ड की गई है मुतासरीन की तादाद। राहुल गांधी का मुसलसल जारी है मोदी सरकार पर हमला, ट्वीट करके फिर साधा निशाना, कहा वजीर आजम को छोड़कर सभी को फौजी जवानों की बहादुरी पर है भरोसा। गलवान घाटी को लेकर उठाया सवाल, कहा किसकी बुजदिली से चीन ने हमारी जमीन पर किया कब्जा। कर्नाटक के कोलार से सामने आए दिन दहाड़े अगवा की हैरानकुन तस्वीर, भरी सड़क पर राह चलती एक लड़की को कार पर सवार 3 अफराद ने किया अगवा, साथी सहेली ने की बचाने की कोशिश। शादी की पेशकश ठुकराने पर नौजवान ने लड़की को किया था अगवा, पुलिस ने जाल बिछाकर लड़की का किया रेस्क्यू, फरार होने में कामयाब हुए अगवाई। 3 दिन पहले पेश आई थी वारदात। टीम इंडिया के साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने बैन अवकामी क्रिकेट से लिया रिटायरमेंट। गुज़िश्ता साल जुलाई में धोनी ने खेला था अपना आखिरी मैच वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में, न्यूजीलैंड से शिकस्त खाकर बाहर हुई थी टीम इंडिया। बोले हालिया कप्तान विराट कोहली, मुल्क के लिए आपकी कारकर्दगी हमेशा रखी जाएगी याद, हर क्रिकेटर का करियर एक दिन होता है खत्म। भटकल तालुके के बेनंदूर में पेश आई कत्ल की वारदात, 20 से ज्यादा लोगों ने मिलकर एक निहत्ते शख्स को उतारा मौत के घाट। 44 साल पद्मैया जट्टप्पा नाइक के तौर पर की गई महलूक की शनाख्त, जमीन तनाजे से जुड़ा है पूरा मामला। गुज़िश्ता माह जुलाई में महलूक ने देही पुलिस थाने में जमीन तनाजे को लेकर की थी शिकायत। फेक और गुमनाम मैसेजेस पर काबू पाने के लिए भटकल में जिम्मेदारान ने किया अहम इकदाम, बाकायदा तश्कील दिया गया व्हाट्सएप एडमिन एसोसिएशन, फेक मैसेजेस की रोकथाम के लिए करेंगे कोशिश। तहकीक और तफ्तीश के बाद इस सभी मकामी व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन पोस्ट करेंगे मैसेजेस। व्हाट्सएप एडमिन एसोसिएशन की इफ्तिताही तकरीब में उलमाए कराम समेत आमाईदीन शहर ने भी शिरकत करके किया खिताब। मुकर्रीन ने इकदाम को करार दिया वक्त की अहम जरूरत, भरपूर ताउन की कराई यकीन दहानी। उलमाए कराम ने बगैर तहकीक के पैगामात के इरसाल को फितने से ताबीर करके करार दिया एक बड़ा गुनाह। भटकल में अंजुमन हामिया मुस्लिमीन की खिदमात और तलबा के तालीमी मुस्तकबिल की तामीर के मौजू पर लब्बैक नवायत एसोसिएशन ने मुनाकिद किया इजलास। तालीमी शोबों के इंतखाब में दोस्त अहबाब की तकलीद के बजाय रोशन मुस्तकबिल के खातिर खुद के इंतखाब को ही तरजीह देने मुकर्ररीन ने दिया जोर।
100 साल कदीम इदारा अंजुमन में ही तालीम के हुसूल के लिए आला सतह सहूलियात मैसर होने के बावजूद बैरून शहर जाने को मुकर्रीन ने करार दिया गैर मुनासिब। तालीम हासिल करने के लिए भटकल के दीनी माहौल को बताया निहायत ही खुशगवार। खुसूसन इलाके के 10वीं और 12वीं के तलबा समेत वालिदैन और सरपरस्तों को भी इजलास में किया गया था मदो। नाज़रीन देश दुनिया से जुड़ी मजीद खबरों को तफसील से जानने के लिए विजिट करें www.sahilonline.net। साहिल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल करें सब्सक्राइब। फिर होगी मुलाकात अहम खबरों के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाजत, आदाब।